हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आ चुके आप सबके लिए एक नए वीडियो लेकर। दोस्तों यहाँ पे फाइनली केकेआर टीम को अभी जीत मिलना स्टार्ट हो चुकी है, और जिस तरह से कल का मैच केकेआर ने जीता बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। मतलब वरुण चक्रवर्ती की आप जितनी ज़्यादा तारीफ कर सकते हो उतना आप करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पिछले 3 ओवर जो उन्होंने किए कल के मैच में, उसमें सिर्फ 8 रन उन्होंने दिए। और दोस्तों उससे पहले उनको 12 रन पड़े थे, लेकिन सिर्फ 8 रन अगले 3 ओवर में उन्होंने दिया और 1 विकेट भी लिया, और आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किया जिसमें से सिर्फ 3 रन उन्होंने दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे वरुण चक्रवर्ती काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और पिछले साल जो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फॉर्म अभी दिखा रहे और काफी कमाल के फॉर्म में इस साल लग रहे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि सेकेंड हाफ से केकेआर टीम जीतना स्टार्ट करती है, और ये सिर्फ इस साल का बात नहीं है बल्कि आप देख सकते हो कि पिछले जो 3-4 साल रहे हैं वहां पर सेकेंड हाफ में केकेआर टीम अच्छा खेलती है। अभी 3 मैच जो खेले हैं सेकेंड हाफ में केकेआर ने, वहां पे 2 जीत केकेआर को मिल चुकी है, और अभी 4 मैचेस केकेआर के बचे हुए हैं, और केकेआर को 4ों जीतने हैं, और जिसमें से केकेआर जो 3 अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन पे खेलने वाली है। तो दोस्तों यहां पे ये चीज भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस टीम को देगा, और जो 2 पॉइंट चाहिए थे वो केकेआर को कल के मैच में मिले हैं, और टीम मोरल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा इससे। क्योंकि अगर देखा जाए केकेआर टीम ने अच्छा खेला है, क्रिकेट अच्छा खेला है, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे रहे जिस वजह से केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। और अगर सिक्सेस की बात करें तो फिर सबसे ज्यादा सिक्सेस केकेआर ने इस साल के आईपीएल में मारे हैं, मतलब कि 100 से ज्यादा केकेआर ने छक्के लगाए इस साल के आईपीएल में। तो भी दिखाता है कि बैटिंग जो बहुत ज्यादा अच्छी रही है, छक्के बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था, और कल के मैच में बॉलर्स ने मैच को जिताया। जहाँ पे पेसर्स का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, शार्दुल ठाकुर ने 2 काफी इंपॉर्टेंट विकेट दिलाए, फिर बात करते रसल को 1 विकेट मिला, फिर यहाँ पे हर्षित राणा ने जिस तरह से बॉलिंग करी पावर प्ले में 1 विकेट वहां पे भी उन्होंने लिया, और फिर वैभव अरोरा ने जिस हिसाब से डेथ ओवर्स में बॉलिंग किया वो भी काफी ज्यादा काबिले तारीफ थी। भले 2 नो बॉल उन्होंने मैच में डाला, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, और वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी में 2 पॉइंट दिला ही दिए केकेआर को, जो लग रहा था कि केकेआर के हाथ से पूरी तरीके से चला गया। और इसमें से तारीफ करनी चाहिए नितेश राणा की भी, कि जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, जिस तरह से यूज किया बॉलर्स का, और साथ ही बात करते गुरबाज ने जिस तरह से विकेट के पीछे से एक कैच लिया, और फिर जिस तरह से उनका अग्रेशन था, जिस हिसाब से वो मोटिवेट कर रहे थे प्लेयर्स को, उस हिसाब से भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस उनका भी था विकेट के पीछे से, और वहाँ पे उनकी भी तारीफ करी जानी चाहिए कि टीम का मोरल काफ़ी ज़्यादा हाई उन्होंने रखा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बात करा, बैटिंग जो ठीक ठाक रही लेकिन उतना रन नहीं बन पाया था, लेकिन बॉलर्स ने इस मैच को जिताया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो टीम को देने वाला है। और यहाँ पे 4 मैचेस बचे हुए हैं, और फिर केकेआर को एक एक मैचेस करके सोचना चाहिए। अगला मैच अगर जीतती है तो फिर 3 में 3 केकेआर को जीतना होगा, और दोस्तों यहाँ पे अगर 7 जीत भी केकेआर को मिलता है तो भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि आप नेट रन रेट अगर आपका सही रहता है तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो भी नेट रन रेट भी केकेआर का अगर अभी देखा जाए तो फिर उतना ज्यादा माइनस में नहीं है, अगर 1-2 मैचेस जीतती है तो फिर प्लस में चला जाएगा, तो फिर वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और 4 में से केकेआर को 4ों अभी जीतने होंगे। और फिर दोस्तों बात करें, टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा था, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाया है, और बैटिंग में जो रिंकू सिंह और नितेश राणा एक बार फिर से जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में देखने को मिले, और दोनों खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस साल, काफ़ी ज़्यादा रन दोनों खिलाड़ियों ने बनाया है, और फिर एंड्रू रसल भी वापस अभी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2-3 मैचेस खेले वहाँ पर काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस एंड्रू रसल कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रसल भी अभी फॉर्म में आ चुके हैं, जेसन रॉय गुरबाज दोनों फॉर्म में है, नितेश राणा रिंकू सिंह ये दोनों भी फॉर्म में है, वेंकटेश अय्यर से भी हम परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे, शार्दुल ठाकुर सुनील नारायण ये भी अच्छा ही परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और बॉलिंग में भी प्लेयर्स जो काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर्षित राणा काफी अच्छा कर रहे, वैभव अरोरा ने अच्छा किया, वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी फॉर्म में है, सुनील नारायण से उम्मीद करेंगे अच्छा करेंगे, फिर यहाँ पे शार्दुल ठाकुर एंड रसल दोनों जो काफी कमाल की बॉलिंग पिछले मैच में करी है। तो दोस्तों यहाँ पे टीम काफी ज्यादा अच्छा है, और टीम को जो मोटिवेशन चाहिए था वो कल के मैच में मिल चुका है, हारा हुआ मैच की क्या जीत चुकी है। तो दोस्तों आगे बस केकेआर को मैचेस जीतने के बारे में सोचना चाहिए, और सारे मैचेस जीत जाती है तो फिर केकेआर प्लेऑफ्स में काफी इजीली से क्वालिफाई कर जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद नहीं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।